ग्रेड मैथ्स टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय चैनल। मेरी चैनल ऐसी चैनल है जो सिर्फ आपको 10th का कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है, मेरी चैनल ऐसी चैनल है जो 10th के कोर्स के साथ बेसिक कोर्स भी आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जल्दी से, उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है बट वो ग्रास्प नहीं कर पाता है क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पहले वो इतना स्टडी के प्रति फोकस नहीं होते हैं क्योंकि वो अभी 10th में आए ना, ज्यादा फोकस हो गए होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले के क्लियर नहीं होंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके बच्चे ऑलरेडी मार्क्स गेन कर पाएंगे। कई पेरेंट्स मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं, क्या कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे प्रैक्टिस बहुत करते हैं, सम भी इतने करते हैं, फिर भी वो एग्जाम में मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं, मार्क्स नहीं ला पाते हैं। कभी कभार फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी कभार मेथड भूल जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेन रहती है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि यहाँ पे मैं आपके बच्चे जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं ना, वो नहीं पकड़ पाते, इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ कि सिर्फ 10th का कोर्स नहीं प्लस बेसिक कोर्स दे रही हूँ कि बेसिक कोर्स के साथ अगर वो लर्न करेंगे तो 110% मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपके बच्चे का रिजल्ट 110% अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही मेरा जो नॉलेज है 10th का प्लस बेसिक नॉलेज, तो वो नॉलेज अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई हो वो अच्छे मार्क्स ला रहे, तो ऐसे ही और नॉलेज के लिए, 10th के नॉलेज के लिए प्लस बेसिक नॉलेज के लिए प्लस मैं आपको गारंटी टिप्स देने वाली हूँ, प्लस मैं आपको IMP सम देने वाली हूँ। मेरे हर चैप्टर के एंड पे आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते हैं कि अगर वो 3 या 4 मिनट्स का वीडियो अगर एग्जाम के टाइप में एक बार बच्चा रिवाइज कर ले तो वो कभी भी वो सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में भूलेगा नहीं। तो ये सारी चीज के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज आपको मिले, आपके फ्रेंड्स को मिले, आपके फैमिली मेंबर्स को मिले, या तो कोई ऐसा हो कि जिसे चाहते हैं कि इसे ही वो अच्छे मार्क्स गेन करे एग्जाम में, अच्छे से लर्न करे, तो उसके लिए ये मेरे जो सारे वीडियोज है या तो मेरी चैनल है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कोई डाउट्स आते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर पाते हैं। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्ड्स अवर सब्जेक्ट मैथ्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। यस, which chapter today we are going to start? Today we are going to start chapter number 1, real numbers. Okay, so you have already studied in 9th standard about real numbers. Yes, in the 9th standard, अब 9th standard में पहले ही कर चुके हो कि real number क्या होता है। एक बार उसकी basic information ले लेते हैं, basic theory जान लेते हैं, फिर हम जो main theory है उस पर जाएंगे, then हम जाएंगे sums पे। So let us see what is the basic theory of this chapter, chapter 1, real numbers. So let us see. Point number 1, which is the point number 1. Okay. So what is the point number 1? So point number 1 is real numbers are numbers that can be represented on a number line. रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिनको हम नंबर लाइन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। सेकेंड पॉइंट रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर को किसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर। आप सब लोग ये पहले कर चुके हैं बट फिर भी बेसिक थियरी के तौर पे हम ये सारे पॉइंट्स याद कर लेंगे, क्योंकि 10th में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक की थियरी है, उसकी बेसिक थियरी भी 10th के सिलेबस में पूछी जाती है। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। रियल नंबर्स को किसे डिनोट किया जाता है? तो रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, real numbers
include रियल नंबर्स, इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स इसमें ऐड होना कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर ऐड होते हैं. तो रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर्स सच एज, ऑल नंबर्स सच एज. रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो रियल नंबर्स में जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो नंबर्स आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. सेकेंड आते हैं होल नंबर्स. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद आते हैं रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स के बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स. तो ये सारे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं. रियल नंबर किस किस नंबर से बनता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर. थोड़ी सी इन नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है. तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी फटाफट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो यहाँ पे व्हाट इज द नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर्स आर also called positive numbers. Rational numbers are also called positive numbers. So हमारे जो natural numbers होते हैं उनको positive numbers भी बोला जाते हैं. और natural numbers are starting with 1, 2, 3, 4, comma, dot dot, infinity. So natural numbers are starting with 1, 2, 3, 4 and infinitely. बाकी के जितने भी positive numbers है ना, मैंने आपको एक यहाँ पे word दिया. कौन सा word दिया, पॉजिटिव नंबर्स. तो देखो पॉजिटिव आपको पता ही होता है ना, यानी जो प्लस नंबर्स होते हैं वो. तो अब नेचुरल नंबर आप इजीली याद कर पाएंगे, वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो. सेकेंड इज द होल नंबर. देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स इज एडिशन ऑफ टू थिंग्स. एडिशन ऑफ टू थिंग्स, दो थिंग्स मिला के बनता है. कौन कौन सी दो थिंग्स मिलाते हैं, तो नेचुरल नंबर तो हमें उसमें ऐड करना ही होता है. मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोमा डॉट 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 इनफाइनिटी. बस ये तो नेचुरल नंबर में ना, हमें होल नंबर चाहिए. तो होल नंबर में हमें क्या कर देना है, जीरो ऐड कर देना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होता है, नेचुरल नंबर टू इनफाइनिटी. नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस जीरो, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स. नाउ क्या करना है, इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है, देखो हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ. नेचुरल नंबर हम पहुंच गए, यस, नेचुरल नंबर प्लस जीरो दैट इज कॉल्ड होल नंबर. नाउ व्हाट इज द इंटीजर्स. सो बाकी के दो स्टेप्स हमें उसमें ऐड करनी है, दैट इज द नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर मिला के बनता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 बट प्लस क्या करना है ना, इंटीजर्स कुछ अलग होगा, वरना तो हम इसे नेचुरल या होल नंबर बोल देते ना. इसमें ऑर्डर होता है नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 .. 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर प्लस जीरो होल नंबर. ओके, वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स इज इंटीजर. ओके, नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं. p अपॉन q फॉर्म क्या होता है, p अपॉन q यानी फ्रैक्शन फॉर्म. p होगा हमारा न्यूमरेटर, q होगा हमारे डिनोमिनेटर. तो जो नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. इजीली याद रहेगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशनल नंबर. यस, बट वन कंडीशन इज देयर, एक कंडीशन वहां पे मिलती है. कंडीशन कौन सी होती है, तो यहाँ पे p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो p तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. बट यहाँ पे जीरो भी हो सकता है. बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट कंडीशन इज गिवन कि रेशनल नंबर p अपॉन q फ्रैक्शन फॉर्म में होता है. p कुछ भी हो सकता है, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q अपना कभी भी जीरो हो सकता नहीं है. सो इन शॉर्ट, फ्रैक्शंस के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं दे आर रेशनल नंबर. एंड द लास्ट वन इज द इरेशनल नंबर.
इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जो नंबर रेशनल नहीं होते दे आर कॉल्ड इरेशनल. देखो सो इजी है ना. यस, तो इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं होते हो, या तो आप कह सकते हैं कि जो पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? रूट टू, रूट सेवन, रूट पाई या सिर्फ पाई. ऐसे सारे नंबर्स होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड में, जो आप ये सारा कर चुके हैं पहले से, आप करते आए. ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट. देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्फिडेंस प्लस, और यहाँ पे जो आपने लर्न किया है वो भी प्लस. तो सारे कुछ प्लस में मिला के रिजल्ट ऑलवेज प्लस होने वाला है. तो ऐसे ही और वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. अपने नॉलेज यहाँ पे जो मैं शेयर कर रही हूँ वो लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस की लेटेस्ट जो अपडेट है वो मिलती रहे. नाउ जाते हैं आगे. ये सारे मेन आई एम पी पॉइंट है. मैं जो आपको इस चैप्टर के लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो वीडियो देने वाली है उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये सारे लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये सारे आप अपडेट अपने पास रख सकते हैं, ये पॉइंट्स अपने पास रख सकते हैं. देखो इस सारे पॉइंट्स से क्या होने वाला है, आपके 10th की जो मेन एग्जाम है वो तो प्रिपरेशन हो ही रही है, प्लस एमसीक्यू, आपका नॉलेज, आप कहीं पे बाहर जाएंगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारी एग्जाम के लिए सबके लिए यहाँ पे आपका नॉलेज प्लस हो रहा है. तो सिर्फ 10th का नॉलेज नहीं लेना है, या तो हमें सिर्फ रट्टा मार नहीं बनना है ना, क्योंकि आप मेरी बात से रिलेट कर पाते होंगे कि यहाँ पे हाँ आते नहीं ऐसा होता है. यस मैम, हाँ, तो हमें रट्टा नहीं करना है. आप यहाँ से सिर्फ बाहर जाए ना कहीं लर्न करके, तो नहीं, कि अच्छे से लर्न किया ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ जाए तो अच्छे से सारी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे और कॉम्पिटिशन में रह पाएंगे. सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर का मोस्ट टाइम पे टॉपिक हम कह सकते हैं, दैट इज यूक्लिड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन. नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट टाइम पी टॉपिक. इसके तरफ 110% ध्यान दीजिएगा. नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, नहीं समझ में आए वीडियोस को बार बार रिवाइज कीजिएगा, बट ये टॉपिक आपका मोस्ट टाइम पी टॉपिक है. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सबसे पहले तो कोई नेम सुनते हैं ना तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना. हम गुजराती अच्छे से बोल पाते क्यों? क्योंकि हम सारे मीनिंग्स मेमोराइज होते हैं. तो सेम वे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नेम ही अगर क्लियर ना हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नेम याद नहीं रख पाएंगे, वो टॉपिक आपको याद रहेगा नहीं. बेस्ट ट्रिक है कि आपके जो टॉपिक है उसको पहले उसके जो हेडिंग है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा. अगर उसके हेडिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा तो टॉपिक इजीली याद रह जाएगा. तो हमारे टॉपिक का नेम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. डिवीजन आपको पता है, जो आप डिवीजन करते हैं, जो आप परफॉर्म करते हैं डिवाइड, वो ही यूक्लिड क्या है. यूक्लिड इज वन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन. यूक्लिड इज नेम ऑफ वन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन. व्हाट इज द वर्ड लेमा मींस? यस, लेमा का मीनिंग क्या होता है ये दोनों तो आपको पता चल गया. ये मैथमेटिशियन और एक साइंटिस्ट है, डिवीजन जो आप परफॉर्म करते हैं. लेमा क्या होता है? तो लेमा क्या होता है, लेमा इज जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट मिलता है ना, यहाँ पे इसने जो हमें डिवीजन लेमा यानी यहाँ पे कुछ बताया होगा ना कि इसमें कुछ रूल होगा, कंडीशन होगी, तो वो जो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे या तो वो जो हमें कंडीशन बताएंगे स्टेटमेंट मिलेगा उसे बोलते हैं लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. लेट अस सी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है. तो इफ A and B, if A and B are two positive integers, if A and B are two positive integers, then must satisfy the condition
most satisfied condition, A is equal to B into Q plus R. What is the condition? A is equal to B into Q plus R. Where one condition is given. So there one condition is the given. What is the Euclid's division lemma? पहले statement अच्छे से देख लेते हैं. If a and b are two positive integers, हम कोई दो positive integer लेने वाले, उसको बोलेंगे a, दूसरे को बोलेंगे b. चलो एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. हमें यहाँ पे एक बार ये कॉन्सेप्ट देखे तो ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलना है. उसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है मुझे और आपको, वैसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है. तो एक बार एग्जाम्पल के साथ जैसे मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले है ये कॉन्सेप्ट. एग्जाम के लिए जो मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट है वो. सो एग्जाम्पल, वॉट इज द स्टेटमेंट सेइंग टू अस? If A and B, one is the A, second number is the B, are two positive integer. What is the meaning of positive plus? मतलब एक number A होना चाहिए, so I am taking 26 is equal to A. मतलब one number A is equal to 26 and 26 is the positive number. Another number N. B is equal to 5. 5 is also positive number. So A and B are two positive integers. A and B दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, इन सो पॉजिटिव नंबर लेने. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? देन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन. वन कंडीशन इज गिवन, वो कंडीशन मस्ट मतलब कंपलसरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें कुछ भी चलेगा नहीं. तो वो कंडीशन सेटिस्फाई क्या है? A इज इक्वल टू, तो ये है हमारा A, 26 इज इक्वल टू B, B है हमारा 5. देन व्हाट इज द Q एंड R? Q होता है हमारा क्वोशन्ट, क्यू होता है हमारा क्वोशन्ट. एंड आर क्या होता है? तो आर होता है हमारा रिमाइंडर, जहां पे हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसमें आता है वो. आपको पता है क्या लगे ना, अब यहाँ पे डिवीजन वर्ड क्यू दिया है, क्वोशन्ट, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिविडेंड, किसमें आता है? डिवीजन में, इसके लिए. और ये हमारा रूल है, वो हम छोटे स्टैंडर्ड से करते आए थे, डिविजनल एल्गोरिदम है ना, छोटे स्टैंडर्ड से परफॉर्म करते आए. देख लेते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, 26 divided by 5, डिवीजन होगा 5 5 25, 26 minus 25 1. लेट अस राइट A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर. डिवीजन तो हो गया, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमारा यहाँ पे ये रूल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं. तो लेट अस राइट A इज इक्वल टू 26, देयरफॉर इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू, क्यू यानी क्वोशन्ट, क्वोशन्ट हमारा कितना आया 5, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 1. देख लेते हैं सेटिस्फाई होता है, 5 5 25 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26. यस, देन आवर सम इज सेटिस्फाइंग कंडीशन A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R. सो ये हमारा जो परफॉर्म था, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया, दैट इज यूक्लिड्स डिविजन लेमा. ये हमने किससे परफॉर्म किया है? यूक्लिड्स डिविजन लेमा. कितना इजी है ये रिवीजन, तो आप छोटे बच्चों को दे दो वो भी कर लेंगे. यस, तो यहाँ पे इतनी थियरी आज हम रखते हैं. ये हमारी थियरी थी आज की, मोस्ट आईएमपी थियरी. फिर भी बता रही हूँ ऐसे ही और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसे ही अच्छे नॉलेज के लिए. जल्दी ही मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी देने वाली हूँ, तो इसके लिए हमारी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा. अपने जो भी व्यूज है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा. वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.